नमस्ते। आज के विषय में हम बल से संबंधित चीजों के बारे में जानेंगे। अगर आप एक पेंसिल को टेबल पर रखें तो वो वहीं रहेगी जब तक आप उसे उठा न ले। इसी तरह एक कुर्सी भी एक ही जगह रहती है जब तक कोई उसे हिला न दे। इसी तरह गेंदबाज द्वारा डाली गई गेंद सीधी स्टंप की ओर जाती है जब तक बल्लेबाज गेंद को मारकर उसकी दिशा न बदल दे। अगर आपकी ओर गेंद फेंकी जाए तो आप खुद को बचाने के लिए क्या करेंगे? आपको गेंद को रोकने के लिए पकड़ना होगा। इसका मतलब बल धकेलना अथवा खींचना होता है। जब तक बल न लगाया जाए कोई भी वस्तु अपनी दिशा नहीं बदलती और न ही गति में आती है। बल का उपयोग कर किसी भी वस्तु की चाल अथवा दिशा बदली जा सकती है। बल हमारे जीवन में धकेलने अथवा खींचने के समान है। मैं कुछ उदाहरण देता हूं। अगर आप फुटबॉल को किक लगाएं तो उसकी चाल और दिशा बदल जाती है। या अगर आप गेंद को ऊपर फेंकें तो वो नीचे आ जाती है। ऐसा पृथ्वी के गुरुत्व खिंचाव के कारण होता है। या फिर जब आप अपने दोस्त से पंजा लड़ाते हैं तब आप बल का इस्तेमाल कर उसका हाथ नीचे धकेलते हैं। या फिर रस्सा कशी में दोनों टीमें बल का उपयोग कर रस्सी को अपनी ओर खींचती है। या फिर क्रिकेट के खेल में फील्डर बल का उपयोग करके ही जोर से मारी हुई गेंद को रोकता है। इसी तरह टेबल को धकेल कर या खींच कर उसकी जगह बदली जा सकती है। इसी तरह हम आटा गूंथने के लिए तथा उसकी छोटी गेंद बनाने के लिए भी बल का प्रयोग करते हैं। एक बार फिर ध्यान रहे, बल का प्रयोग किसी वस्तु की चाल तथा दिशा बदलने के लिए किया जाता है। इसी तरह बल का उपयोग किसी गति को रोकने अथवा शुरू करने के लिए भी किया जाता है। और इसी तरह बल का इस्तेमाल वस्तु को तेज या धीमी करने के लिए भी किया जाता है अथवा किसी वस्तु की दिशा बदलने के लिए। बल का इस्तेमाल किसी वस्तु का आकार बदलने के लिए भी किया जा सकता है। सोचिए, क्या उठाना आसान है, एक खाली बाल्टी या पानी से भरी हुई बाल्टी? निसंदेह खाली बाल्टी उठाना आसान है। पानी से भरी हुई बाल्टी उठाने की तुलना में हम खाली बाल्टी उठाने के लिए कम बल का इस्तेमाल करते हैं और भारी बाल्टी उठाने के लिए अधिक बल लगाते हैं। इसी तरह हम अधिक बल का उपयोग तब भी करते हैं जब हमें कोई बहुत तेज वस्तु को रोकना हो। हमारे आसपास बल के कई प्रकार हैं। पहला प्रकार है पेशीय बल।
इसका मतलब उदाहरणार्थ जब हम गेंद को हवा में फेंकते हैं, हम अपनी मांसपेशियों का इस्तेमाल करके बल लगाते हैं। इसे पेशीय बल कहते हैं। उदाहरण के तौर पर पेन से लिखना, साइकिल चलाना, या हम जो भी करें हम पेशीय बल का प्रयोग करते हैं। दूसरा प्रकार है यांत्रिक बल। आजकल के हमारे जीवन में हमारे आसपास हमें ढेर सारी मशीनें दिखती हैं। मशीनों में तरह तरह के ईंधन लगते हैं, जैसे गैस, पेट्रोल अथवा विद्युत। इससे बल तैयार होता है और हमारा काम आसान हो जाता है, जैसे वॉशिंग मशीन, सिलाई की मशीन और गाड़ियां यांत्रिक बल के उदाहरण हैं। तीसरा प्रकार है गुरुत्व बल। गुरुत्व बल का अर्थ होता है वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने की पृथ्वी की शक्ति। आप सुप्रसिद्ध आइजैक न्यूटन को जानते हैं? उन्होंने पेड़ से एक सेब का फल गिरते देखा और सोचने लगे कि सेब का फल अपने आप नीचे कैसे गिर गया, इसका विपरीत क्यों नहीं हुआ। और तब उन्होंने पृथ्वी के गुरुत्व बल को खोजा। आपका वजन, आपका वजन असल में क्या है? इसका मतलब आप पर कितना गुरुत्व बल काम कर रहा है। समझ गए? हर वस्तु का अपना गुरुत्व बल होता है। उदाहरणार्थ पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, अथवा चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है, क्योंकि इन सब का अपना खुद का गुरुत्व बल है। सूर्य का गुरुत्व बल पृथ्वी से बहुत ज्यादा है। क्योंकि सूर्य का आकार भी पृथ्वी से बहुत बड़ा है। परंतु पृथ्वी की चाल की वजह से पृथ्वी सूर्य की ओर खींची नहीं जाती। लेकिन केवल सूर्य की परिक्रमा करती है। चौथा प्रकार है चुंबकीय बल। चुंबकीय बल। चुंबकीय बल दो चुंबक के बीच अथवा चुंबक और लोहे जैसे धातु के बीच के बल को कहते हैं। चुंबकीय बल का इस्तेमाल भारी कंटेनरों को उठाने के लिए किया जाता है। लोहे की कील चुंबक की ओर आकर्षित होती है, अथवा दिक्सूचक उत्तर तथा दक्षिण दिशा चुंबकीय बल के कारण ही बता पाता है। चार प्रकार हो गए, अब पांचवा प्रकार है घर्षण। घर्षण का अर्थ होता है बल का विरोध। ये बल
हमेशा गतिमान वस्तु के विपरीत काम करता है। इसका मतलब हम पहिए में तेल अथवा ग्रीस लगाते हैं ताकि वो आसानी से चल सके। हम तेल अथवा ग्रीस का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि घर्षण होती है, या अगर हम जमीन पर गेंद दौड़ाएं तो वो थोड़ी देर घूमकर रुक जाएगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सतह खुरदरी होने के कारण जमीन पर ज्यादा घर्षण होती है, लेकिन अगर सतह मुलायम हो तो घर्षण भी कम होती है और गेंद ज्यादा देर तक घूमती है। इसी तरह हम कैरम का खेल शुरू करने से पहले बोर्ड पर पाउडर डालते हैं। घर्षण हमारी आम जिंदगी में बहुत उपयोगी है। उदाहरणार्थ पेंसिल से लिखने के लिए हमें उसे पकड़ना पड़ता है। घर्षण के बिना पेंसिल को पकड़ पाना मुश्किल होगा, वो हमारी उंगलियों से फिसल जाएगी। इसी तरह साइकिल चलाना भी मुश्किल होगा अगर टायर और सड़क के बीच घर्षण ना हो। बिना घर्षण के हम एक ही जगह पर साइकिल चला रहे होते, इसीलिए टायर और सड़क के बीच घर्षण होना आवश्यक है। छठा प्रकार है स्थैतिक विद्युत बल। स्थैतिक विद्युत बल, इसका मतलब घर्षण के कारण कुछ सतहों पर विद्युत काम कर रही होती है। जिससे ये बल पैदा होता है। इसके चलते कभी कभी वस्तुएं आकर्षित होती हैं और कभी कभी प्रतिरोध करती हैं। इसे स्थैतिक विद्युत बल कहते हैं। उदाहरणार्थ बालों को लगातार कंघी करने के बाद अगर आप उसे कागज के टुकड़ों के पास लाएं, तो वो टुकड़े कंघी की ओर आकर्षित होकर चिपक जाएंगे। ऐसा स्थैतिक विद्युत बल के कारण होता है। बहुत बार किसी वस्तु पर न केवल एक बल्कि बहुत सारे बल काम कर रहे होते हैं। उदाहरणार्थ जब हम गेंद ऊपर फेंकते हैं तो उस पर बहुत सारे बल काम कर रहे होते हैं। पहला बल जो उस पर काम कर रहा होता है वो है पेशीय बल। उसके बाद वो गुरुत्व बल के कारण नीचे खींची आती है। और वायु का विरोध भी। जब गेंद ऊपर की ओर फेंकी जाती है तो वायु घर्षण का काम करती है, जो कि बल का उलट है। इसलिए गेंद पहले तेज ऊपर जाती है, फिर धीमी हो जाती है और फिर नीचे गिर जाती है। इस प्रकार किसी भी वस्तु पर अनेक बल काम कर रहे होते हैं। इन सारे बलों के जोड़ को कुल बल कहते हैं। ये बल वस्तु की चाल, दिशा तथा गति निर्धारित करती है। अब आपने बल और उसके अनेक प्रकार के बारे में सीख लिया है। बहुत मजा आएगा जब आप अपने आसपास के बल को पहचानने की कोशिश करेंगे। हम और कई विषय आप तक लाते रहेंगे, वापस आकर उन्हें भी देखें। धन्यवाद।